मल्टीपोपलेटर टैकिकार्डिया में अगर वो बोलता है कि हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या दोगे, तो जैसे एटर फिब्रिलेशन ऑफ फ्लटर में मैंने रेट कंट्रोल के लिए आपको एस्मोलॉल बताया था, मैंने एस्मोलॉल के साथ में वेरापामिल वर्ड भी बोला था, पर एस्मोलॉल मैंने इसलिए बोला था कि उसमें बीपी बहुत लो होता है, तो हम पहले एस्मोलॉल को प्रेफर करते हैं। मल्टीपोपलेटर टैकिकार्डिया इज रिलेटिवली बेटर टॉलरेटेड बाय पेशेंट, तो फिर यहाँ पर हम एस्मोलॉल तो वैसे भी आईवी आता है, तो आप हमें एस्मोल जो है वो ओरल नहीं आता, आईवी फॉर्मेट नहीं आता, तो आप शॉर्ट एक्टिंग करवा कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों का फायदा नहीं होता। देन इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन का मतलब होता है कार्डियक रप्चर। अगर हार्ट ही बर्स्ट कर गया, इमेजिन करो MI हुआ, MI वॉज अ ट्रांसम्यूरल MI, फुल थिकनेस MI, और हार्ट बर्स्ट कर गया लाइक अ बैलून। अगर हार्ट ही बर्स्ट कर जाएगा तो पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी भाई, हार्ट बर्स्ट कर गया तो आप नहीं बचा सकते पेशेंट को, तो वो तो कार्डियक रप्चर होता है, उसको थोड़ा सोफेस्टिकेटेड दिखाने के लिए। आपको ईसी शॉक देने का फायदा नहीं होता। देन इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन का मतलब होता है कार्डियक रप्चर। अगर हार्ट ही बर्स्ट कर गया, इमेजिन करो MI हुआ, MI वॉज अ ट्रांसम्यूरल MI, फुल थिकनेस MI, और हार्ट बर्स्ट कर गया लाइक अ बैलून। अगर हार्ट ही बर्स्ट कर जाएगा तो पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी भाई, हार्ट बर्स्ट कर गया तो आप नहीं बचा सकते पेशेंट को, तो वो जो कार्डियक रप्चर होता है उसको थोड़ा सोफेस्टिकेटेड दिखाने के लिए।